वैसे तो तुम्हारी फोटो देखी हुई है, बट ऐसे प्रिटेंड करूंगी जैसे पहचाना नहीं। आशिव राइट? और मिताली? हाँ, और फ्रेंड्स मुझे प्यार से मिट्ठू बुलाते हैं। ओके, मेरे फ्रेंड्स मुझे प्यार से तो खैर कभी नहीं बुलाते, बट काम से बुलाते हैं, और यूजुअली मुझे चूतिया बुलाते हैं, बट अब जब पता लगेगा इतनी हॉट लड़की के साथ डेट पे आया हूँ तो अब शायद स्टड बुलाना शुरू कर देंगे। बट चूतिया तो तब भी रहेगा। सो लेट्स ऑर्डर समथिंग। सो क्या खाना पसंद करोगी? वैसे तो एक प्लेट चिकन मोमोज को ही सबसे बड़ी ट्रीट मान लेती हूँ, बट अभी तुम्हारे साथ हूँ तो सिर्फ एक ही चीज़ खाऊंगी। क्या? भाव खाऊंगी कि डाइट पर हूँ एंड नो कार्ब्स एंड ऑल, और फिर डेट के बाद जाके बेस्ट फ्रेंड के साथ मोमोज खाऊंगी, क्योंकि घर पे तो घी की सब्जी बनी है एंड आई हेट दैट शिट। तो तुम क्या खाना पसंद करोगे? वैसे तो एक समोसा और चाय में मेरी पार्टी हो जाती है, बट अब जब एक महीने की पॉकेट मनी बचा के तुम्हारे साथ डेट पे आया हूँ तो सोचा था कि जो तुम मंगाओगी उससे बस थोड़ी सी महंगी चीज मंगा लूंगा। हरामी साले। सो वीकेंड्स पे क्या करती हो? वैसे तो वीकेंड्स पे छोटी बहन और मैं फ्री टाइम में एक दूसरे के सर से जुए निकालते हैं। लेकिन जब अकेली होती हूँ तब बिना नहाए बेड पे पड़ी रहती हूँ सारा दिन, और नेटफ्लिक्स पे टाइम पास करती हूँ, क्योंकि मम्मा पापा तो बाहर जाने नहीं देते। और तुम्हें थोड़ी ये सब बताऊँगी, तुम्हें तो ये कहूँगी कि फ्रेंड्स के साथ बड़े बड़े मॉल्स में जाती हूँ शॉपिंग के लिए, सो दैट तुझे लगे कि दिस ट्रिक इज़ हार्ड टू अफोर्ड। और तुम क्या करते हो वीकेंड्स पे? वैसे तो वीकेंड्स पे मॉम मुझसे घर का राशन वगैरह मंगाती है, जो टाइम बच जाता है उसे फ्रेंड्स के साथ पबजी खेलने में वेस्ट कर देता हूँ। बट तुम्हें ये सब थोड़ी बताना था मैंने, तुम्हें तो मैंने ये बताना था कि वीकेंड्स में फ्रेंड्स के साथ आउट ऑफ दिल्ली घूमने जाता हूँ, ताकि तुम्हें लगे दिस गाय इज टूरिस्ट। खाना भी आ गया। तो क्या ओपिनियन है मेरे बारे में? तो फोटो से ज़्यादा रियल लाइफ में हाँ चूतिया लगता है, लेकिन मैं फिर भी तुझे डेट करूँगी, क्योंकि हॉट लड़कियाँ तो चूतिया लड़कों को ही डेट करती हैं, और मैं ये परंपरा कैसे तोड़ सकती हूँ। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? तुम फोटो से ज्यादा रियलिटी में बहुत हॉट लगती हो। आई नो, और मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि तुम एक लड़की हो, तो शादी के लिए मेरी हाँ है। शादी? हाँ, इन फ्यूचर। पागल है, मैं कॉलेज खत्म होते ही तेरा काट के चले जाऊंगी। फिर मैं भी देवदास बन के सबको हमारी कहानी सुनाया करूंगा। You're so creep. I know. So let's go. मुझे घर जाके जुए भी निकलवानी है. It hurts way too much. हाँ sure. इसके बाद मुझे भी अपने friends को हमारी setting होने की party देनी है. तो तुम यहाँ से कैसे जाओगी? वैसे तो 112 number पकड़ के जाऊंगी, but अभी तुम्हारे सामने cab book करने का नाटक करूंगी. अच्छा. और तुम? मेरा तो फ्रेंड बाहर वेट कर रहा है, वो देखने आया था कि तुम सच में आ रही हो या मैं मजाक कर रहा था, उसे यकीन ही नहीं था कि इतनी हॉट लड़की आ रही है। तो बस अब उसी के साथ बाइक पे बैठ के निकल जाऊंगा। चलो मैं निकलती हूँ, तुम भरो बिल। ब्रो कहाँ रह गया यार, जल्दी आ। ये मेरा एक्स है, अभी मैंने इसको लास्ट वीक ही डम करा था, बट ये मुझसे इतना ज्यादा अटैच है कि मैं इसको अब टैक्सी की तरह यूज करती हूँ। बेचारा सुबह से खड़ा हुआ था, मुझे ड्रॉप भी करके गया और तब से वेट कर रहा था, तो इसलिए मैं इसी के साथ जाऊंगी। बट तुमने तो कहा था कि वो सब छोड़ो, ये लो, ये तुम्हारा टोकन। टोकन? वैसे तो 112 नंबर पकड़ के जाऊंगी। अच्छा, ये 112 और मैं 113। समझ में आया क्या? समझ में आया? मगज में आया क्या? मगज में आया? याद में आया क्या? याद में? मैं तेरे बाद में आया क्या? Hey guys, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताओ अपना फेवरेट डायलॉग, और यहाँ गोल वाले बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करो, नीचे बेल आइकन दबाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ठीक है, मिलते हैं अगले हफ्ते नई वीडियो के साथ। बाय।